हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो आज हम चल रहे हैं एमसी स्टैन के कॉन्सर्ट, गच्चीबोली स्टेडियम में यहीं है, तो चलते हैं। एंड 4 बजे का टाइम था, बट ऑब्वियसली हमको पता है कि वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। एंड इवेंट तो 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी जब बज रहे हैं 4:30, अभी निकलते हैं, फिर 1.5 घंटे के बाद पहुँचेंगे, फिर लाइन में फिर बैंड वगैरह भी लेना पड़ेगा। तो चलते हैं, लेट्स गो, मज़ा आएगा। एंड यस, लेट्स गो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जो लोग भी इवेंट में नहीं आ पाए या जो लोग भी इवेंट नहीं अटेंड कर पाए, उन लोगों को ये वीडियो भेजो और देखो, मैं पूरा इवेंट कवर करने की कोशिश करूँगा, तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा, एंडिंग तक बने रहना। तो लेट्स गो। इनका नाम सोचो यार, कोई तो भी, इनका नाम हमें अभी तक रखा नहीं है। काटना नहीं प्लीज़। कमेंट सेक्शन में इनका नाम बोल दो यार, एक मेल एक फीमेल है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपना नाम सजेस्ट करो, देखते हैं। बाय, लेट्स गो। टिकट वगैरह हम ले लिए, बहुत लंबी लाइन थी, बट हमने थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया। जुगाड़ ये था कि जनरल जिसको भी चाहिए थे टिकट, वो आसानी से मिल रही थी, तो मैंने जनरल के पास जाके अपना QR कोड बता दिया और उनसे मिस्टेक हो गई, अरे भाई आप बोलना चाहिए था ना। तो ठीक है, मतलब जो घंटों लाइन में थे उनसे पहले हमने टिकट ले ली, तो गलत जगह जाके हमने स्कैनर बता दिया और उन्होंने वेरीफाई भी हो गया वो, और तो दूसरी जगह से हमको टिकट जल्दी मिल गई, ऐसा है। तो चलो चलते हैं, एनालिस्ट की लाइन देख रहे हो, टू गो देयर। अभी गेट्स ओपन हुए नहीं हैं, पब्लिक क्रेजी हो रही है अंदर जाने के लिए, बट अभी गेट ओपन हुआ नहीं है, तो गेट ओपन होने के बाद जाएंगे। चेकिंग वगैरह चल रही है कुछ, लेट्स गो। अगर आधे घंटे में गेट्स नहीं हुए तो पब्लिक क्रेजी होके पागल होके गेट वेट तोड़ डालेंगे। अभी तक गेट को हिला रहे थे, बट डोंट नो कैसा जाएगा, लेट्स सी। लक्की स्पॉट मिल गया भाई, सामने फ्रेंड्स के, सोचे नहीं थे कि सामने आ जाएंगे, बोल के आ गए। अब जबरदस्ती ऐसा तो भी जुगाड़ लगा के घुस गए अंदर, लेट्स सी। अपन यहाँ पार्टी करने आए हैं, बट थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, स्टैन आने वाला है, राडे करेंगे साथ में, पर तमीज से, अगर तुम कूदोगे इधर तो शो बंद हो जाएगा। शो करना है ना, थोड़ा सा प्यार से करते हैं, स्टैन से सब प्यार करते हैं, यही रहेंगे, पार्टी करेंगे, सब याद रखेंगे, ठीक है, थोड़ा प्यार से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, एकदम प्यार से पार्टी करेंगे। स्टैन आ चुका है, एमसी, एकदम प्यार से पार्टी करेंगे, स्टैन आ गया है, हैदराबाद की पब्लिक।
उद्देश्य उत्साह हैदराबाद हिंदी मातृभाषा यू राम सिंह भाई सब लोग को वेले दो नमस्ते नमस्कार अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु आराम से भाई लोग सुनो थोड़ा ना कायदे से एक दूसरे के अंग पे नहीं प्यार से नहीं क्या अपन थोड़ा सपोर्ट भी करते बॉडीगार्ड्स लोग को थोड़ा अपन पुलिस का भी साथ देते और अपने को पूरा शो बजाने का है भाई तो पूरा शो बजा के जाएंगे हैदराबाद में आराम से भाई प्यार इधर ही में क्या थोड़े कायदे से लेते अपन करते भाई इसमें पीछे आओ बेबी वटा तू वटा तू वटा जो भी तकलीफ दे रहा उसको तू फट से तू उसके तो फट से तू पब्लिक भाई एक के ऊपर एक ऐसा मत करो आराम से भाई तुम लोग ठीक है क्या शो भाई अपने को पूरा करने का मैं वापस से बोल रहा भाई मेरे को भेज देंगे भाई पुलिस वाले अपने भाई वो लोग भेज देंगे फिर वो बंद कर देंगे शो नहीं क्या अपने को पूरा करने का तो कायदे से लेते आराम से लोग अरे मेरी जान आराम से भाई चलो लेते बिल्ले बैन करा कुछ भी नहीं कर सकता मेरी मामे को खाने में हिप हॉप खिला दे रहा हूँ हिप हॉप से संबंध में दूर तक आए दे रहा हूँ फिर निकल तो निकाल जगह और बनता है बनता है तो हमारा पेट से तुम्हारे दिन को निपटा हैदराबाद यार क्या मालूम कौन तो भी एक ही चकला रेंगा हुआ हैदराबाद का नाम खराब कर रहा जान दो अपन चलो बजाते पूरा शो फिर हक से बोले नहीं क्या मरी ले आए लरे रोजा एक साल तक सोचा खुद को भरोसा
ये बता रहे हैं, अब गुजर से आ रहे हैं, गिलर दिखा रहे हैं, ये बस्ती में बता रहे हैं, ये लड़
भाई शो बहुत ही अच्छा हुआ एंड शो रियली वेरी गुड बट शो के स्टार्टिंग में ना मतलब जैसे ही एमसी स्टैन आया 20-25 मिनट बाद एक बंदे ने बॉटल फेंक के मारा, मतलब उसको लगा नहीं बट उस बंदे ने स्टेज पे रहकर उतना पॉजिटिवली लिया उस चीज़ को। वो बोल रहा है भाई मिस हो गया, भाई मिस हो गया, ऐसा मत करो यार, मतलब वो बोलता है कि ऐसा मत करो, तो फिर भी शो कंटिन्यू करता है। एंड फिर 15-20 मिनट के बाद लकड़ी का टुकड़ा फेंकते हैं लोग उसके ऊपर, उसको लगता नहीं है, तीनों भी चीज़ उसको लगी नहीं है। हाँ फिर 15-20 मिनट के बाद फिर किसी ने बॉटल फेंक के मारा, आपने ब्लॉग में देखा होगा, तो वो तब फिर एटलीस्ट उसकी कदर नहीं, उसके आर्ट की तो कदर करो यार, मतलब लिटरली इट वॉज, मतलब शो बहुत आगे जाने वाला था, बहुत अच्छा शो होने वाला था आगे, और बट कुछ लोगों की वजह से ही डिडंट फील वेरी सेफ देयर, तो चले गया। एंड लिटरली बट जितने भी देर वो स्टेज पर था, इट वॉज नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस गाइस, सच बता रहा हूँ, मतलब मैंने कभी फील नहीं किया था ऐसा, मैं बस उसको ठहर के ऐसे ही देख रहा हूँ। तो एक बंदा स्टेज पर रह के मचा रहा है, सब लोग उसके पागल हो रहे हैं, लाइक लिटरली बहुत मज़ा आया। जितने भी देर स्टेज पर था हमने इन्जॉय किया एंड फुल पैसा वसूल शो था, आई रियली एन्जॉयड इट। बट कुछ लोगों की वजह से एक मार्क गिर जाता है यार हैदराबाद के ऊपर कि वहाँ गए तो ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो लिटरली बट शो वॉज रियली वेरी गुड। एट दी एंड यही बोलना चाहूँगा कि यस मचा रहा है, बट बहुत बहुत क्रेजी शो है। तो यस, तो आई होप यू आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ जो भी शो पर नहीं आ पाए। And yes, with that said, as always, stay fit, stay motivated. Bye-bye. Take care.